हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं ये अपने कुछ इंडोर प्लांट्स जो कि मैंने हाल ही में शॉपिंग वीडियो में आपके साथ शेयर किए हुए थे, उन्हीं की रिपोर्टिंग कर रही थी। तो वीडियो बनाने का नहीं था मेरा कुछ आज, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी थी आप लोगों को बताना, जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स को हमें ज़रूर पूरा खोल के देखना चाहिए। और जब मैंने इसे खोला तब इसकी सॉइल एकदम बाउंड की हुई थी, एकदम से चिपकी हुई थी जड़ों से, और ये खुल ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने इसे इस तरह से टब में पानी डाल के और इसे रख दिया है ताकि इसकी मिट्टी जो है जड़ों को पकड़े हुई है वो थोड़ा सा लूज़ हो। तो देखिए, ये देखिए कितनी चिकनी सॉइल थी, और देखिए इसकी जड़ें भी कुछ हेल्दी नहीं लग रही हैं देखिए। और ये अभी तक भी इसमें मिट्टी चिपकी हुई है जड़ों में, एकदम से काफ़ी हद तक मैंने इसकी जड़ें खोल दी हैं। तो इस तरह से हमें जड़ें खोल देनी चाहिए। और ख़ास बात मुझे यही लगी कि इसकी जड़ें मुझे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रही हैं। तो मैं अब इसे किस तरह से रिपोर्ट करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी, और किस तरह का ट्रीटमेंट दे के और इसे मैं अच्छे से रिपोर्ट करूँगी ताकि मेरा प्लांट मरे नहीं, सर्वाइव कर जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है मग में, और ये मैंने साफ फंगीसाइड डाला है जो कि जड़ों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है, फंगस को दूर करता है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूंगी। और ये पॉटिंग सॉइल मैंने ले ली है, सॉइल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट है बस, और थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। तो अब मैं इसमें ये प्लांट, ये जो मैं लगा रही हूँ ये फाइकस का प्लांट है, अब मैं इसे रखूँगी। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है, मैं इसमें अब डालने वाली हूँ ये टर्मरिक पाउडर, ये हल्दी का पाउडर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसे मैं इसे अच्छे से डाल दूँगी प्लांट्स पे, सॉरी जड़ों में। और ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक होता है आप सभी जानते होंगे। तो इसे अच्छे से मैंने डाल दिया, और फिर मैं इसे बिल्कुल जिस तरह से प्लांट लगाते हैं बाकी की सॉइल डाल करके अच्छे से दबा दबा के इसे पैक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने कि जो नर्सरी से प्लांट लाए हुए होते हैं या हम परचेज करके लाते हैं, उन्हें हमें पूरी तरह से किस तरह से खोल के रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नर्सरी वालों का बस मकसद होता है कि हमें प्लांट बेचना है। बेचने तक उन्हें बस प्लांट्स को किसी तरह से बचा के रखना होता है। तो वो अपने प्लांट्स को केमिकल्स के थ्रू बचा के रखते हैं, और जब हम उन्हें लाते हैं और ऐसे ही लगा देते हैं तो हमारे प्लांट ना तो ग्रो करते हैं और धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। तो यही कारण होता है हमारे प्लांट के खराब होने का। तो हमें इंडोर प्लांट्स खास करके ओपन करके ही लगाने चाहिए, अच्छे से उनकी जड़ों को चेक करके, उनका ट्रीटमेंट करके फिर लगाना चाहिए। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था विंटर प्लांट्स पे, उसे मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स को आप हमेशा चेक करके लगाएं। लगाने के बाद मैंने इसमें वही फंगीसाइड वाला पानी डाल दिया है, और अब मैं इसे थोड़ा 2 दिन तक शेड में रखूंगी, फिर इसे सेमी शेड पे, मतलब जहाँ पे हल्की हल्की धूप आती है वहाँ पे रखूँगी, और ये पतली पतली ब्रांचेस मैं कट कर दूँगी। तो देखा फ्रेंड्स, यही जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और एक चीज़ और मुझे दिखानी है आपको, बढ़िया सी, ये देखिए, ये धनिया लाया हुआ था मार्केट से। तो जब हम उसे कट करते हैं तो उसकी डंठल्स हम फेंक देते हैं, तो मैंने इस छोटे से ग्लास में यूं ही डाल के रख दिया था उसे पानी में। तो देखिए इसमें एक भी पत्ता नहीं था और ये सारे पत्ते निकले हैं। ये इस तरह से धनिया वापस ग्रो होता है, 2 से 3 बार ऐसा हो जाता है देखिए। और ट्रस्ट मी गाइस, एक भी पत्ता नहीं था और इसमें अभी इतनी सारी धनिया निकल आई है, देखिए। तो इस तरह से मैंने एक बार फुदीने में भी किया था। तो गार्डनिंग सही में एक फ़न है, और इस तरह से हमें करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बड़ा मज़ा आता है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।